नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए जलवायु विज्ञान पढ़ रहे हैं, और जलवायु विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं वायु राशियां, वायु राशियों का वर्गीकरण। वायु राशियों के वर्गीकरण में हम जो कंपोजिट या मिश्रित वर्गीकरण वायु राशियों का है, संयुक्त वर्गीकरण वायु राशियों का है, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसको सामान्य वर्गीकरण भी हम कह सकते हैं, जिसमें हमने चार जो प्रकार बांटे थे, यानी महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशियाँ, इसके अलावा सागरीय ध्रुवीय वायु राशियाँ, और इसके अलावा उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशियाँ और उष्णकटिबंधीय सागरीय वायु राशियाँ। ये चार प्रकार हैं, जिनके आगे चार चार उप प्रकार भी बांटे गए हैं, यानी कुल 16 उप प्रकार वो बांटे गए हैं। इसमें हमने जो महाद्वीपीय ध्रुवीय हैं उनके बारे में पढ़ लिया था, दूसरा हमने महासागरीय या सागरीय ध्रुवीय वायु राशियां हैं उनके भी चार चार प्रकारों के बारे में हमने पढ़ लिया था। अगला जो प्रकार है वह है महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि, नंबर 3 महाद्वीपीय उष्ण कटिबंधीय। अब इसके लिए जिस संयुक्त अक्षर या सिंबल का प्रयोग किया जाता है, महाद्वीपीय यानी कॉन्टिनेंटल और उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल, टी, तो ये हो गई कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि है ये। इस वायु राशि के भी अन्य वायु राशियों के समान चार प्रकार इसके भी बांटे गए हैं, जिसमें हम उष्णकटिबंधीय में जो महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय है उसमें दो प्रकार हैं, वो ठंडी के यानी स्थिर और अस्थिर, और दो प्रकार गर्म के, स्थिर एवं अस्थिर अलग अलग होंगे। तो इसमें पहला प्रकार हम देखें तो महाद्वीपीय उष्ण कटिबंधीय ठंडी स्थिर वायु राशि, ये पहला प्रकार इसमें बन जाएगा महाद्वीपीय उष्ण कटिबंधीय ठंडी स्थिर वायु राशि। तो इसके लिए जिस अक्षर का प्रयोग किया जाएगा वह होगा सी टी यानी कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, इसके अलावा अब ठंडी के लिए कार्ड, स्थिर के लिए स्टेबल, सी टी के एस, ये बन जाएगा पहला जो महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय ठंडी स्थिर वायु राशि है उसके लिए हम सी टी के एस जो संयुक्त अक्षर है उसका प्रयोग करेंगे, सी टी के एस। तो ये हो गया पहला प्रकार। अब दूसरे की अगर हम बात करें सी टी के एस यानी कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल काल्ट और स्टेबल, सी से हो गया कॉन्टिनेंटल, टी से ट्रॉपिकल, के से काल्ट या कोल्ड जिसको हम कहते हैं, एस का मतलब जो कि हमने पहले भी पढ़े हैं, तो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल काल्ट स्टेबल ये वायु राशि हो गई सी टी के एस। अब दूसरे प्रकार की अगर हम इसमें बात करते हैं तो वह होगा महाद्वीपीय उष्ण कटिबंधीय, क्योंकि हम उष्ण कटिबंधीय वायु राशि के प्रकार पढ़ रहे हैं तो ये तो आएगा इसमें महाद्वीपीय उष्ण कटिबंधीय। अब ठंडी में भी दो प्रकार हैं तो ये भी क्या हो जाएगी ठंडी, अब यहाँ पर परिवर्तन होगा, स्थिर की जगह पर क्या आ जाएगी
अस्थिर, वायु राशि महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय ठंडी अस्थिर वायु राशि। अब इसको हम क्या नाम देंगे, सी कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल ठंडी काल्ट। अब ये क्या है, अस्थिर है, ये थी स्थिर, यहाँ पर परिवर्तन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू सी टी के यू, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल काल्ट अनस्टेबल, यानी महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय ठंडी अस्थिर वायु राशि, सी टी के यू, ये प्रकार इसका बन गया। तो ये इसके दो प्रकार। अब तीसरे प्रकार की बात करते हैं, महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय तो है ही, ये महाद्वीपीय उष्ण कटिबंधीय, ये तो इसका हो गया मुख्य प्रकार। इसके अलावा अब प्रकृति यानी तापमान के आधार पर ये कैसी है, गर्म है, पहले हम पढ़ते हैं स्थिर, गर्म है और स्थिर है जो वायु राशि। अब इसको हम कहेंगे सी कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, अब यहाँ पर ठंडी की जगह के पर आ गया गर्म, यानी डब्ल्यू वार्म, और स्थिर के लिए स्टेबल। तो ये प्रकार बनेगा सी टी डब्ल्यू एस, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल वार्म स्टेबल, ये तीसरा प्रकार हो गया। अब चौथे प्रकार की हम बात करें तो महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय तो रहेगा ही, महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय ये भी गर्म, अब यहाँ परिवर्तन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, अस्थिर, ये स्थिर थी, ये क्या है, अस्थिर। वायु राशि, अब इसका नाम कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल गर्म वार्म यू अनस्टेबल, सी टी डब्ल्यू यू, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल वार्म अनस्टेबल एयर मासेज, तो सी टी डब्ल्यू यू। तो ये इनका जो कॉम्बिनेशन जो पूरा बनता है, इसको हम मुख्य प्रकारों के आधार पर, इसके अलावा ठंडी गर्म स्थिर अस्थिर के आधार पर आसानी से इसको हम बना सकते हैं, प्रत्येक के चार पार्ट इसमें बनते हैं। तो ये महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय यानी कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मासेज हो गई, जिनके चार प्रकार हैं, उष्णकटिबंधीय ठंडी स्थिर वायु राशि सी टी के एस, महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय ठंडी अस्थिर वायु राशि सी टी के डब्ल्यू, तीसरा है महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय गर्म स्थिर वायु राशि सी टी डब्ल्यू एस, उसके अलावा महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय गर्म अस्थिर वायु राशि सी टी डब्ल्यू यू। तो ये चार प्रकार हो गए उष्ण महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि के। अब अंतिम जो प्रकार आता है वायु राशि का, वह है महासागरीय या सागरीय उष्णकटिबंधीय। नंबर चार है ये, अंतिम प्रकार है। सागरीय उष्णकटिबंधीय, जो सागरीय भागों से उत्पन्न होती हैं, उष्णकटिबंध में उत्पन्न होती हैं, वो कहलाएंगी सागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशियां। अब इसको सागर यानी मैरीटाइम उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल, तो ये हो जाएगा, इसको हम दिखेंगे एम यानी मैरीटाइम, इसको ध्यान में रखें, एम का मतलब है मैरीटाइम और टी का मतलब हो जाएगा ट्रॉपिकल, ये मुख्य प्रकार हो जाएगा सागरीय उष्णकटिबंधीय। तो सागरीय उष्णकटिबंधीय जो वायु राशि है, उसको मैन उसका सिंबल क्या होगा, एम और टी से उसको हम दर्शाएंगे। अब इसमें भी ठंडी एवं गर्म स्थिर एवं अस्थिर, इसके आधार पर जो सागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशियां हैं, उसके भी कितने भाग बंट जाते हैं, चार भाग इसके बंट जाते हैं। पहला भाग देखते हैं कौन सा है, सागरीय उष्णकटिबंधीय
ये कैसी है? ठंडी और स्थिर वायु राशि। अब इसका नामकरण आसानी से किया जा सकता है, सागरीय उष्णकटिबंधीय। सागरीय यानी मैरिटाइम, उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल, ठंडी यानी काल्ट, स्थिर यानी स्टेबल, एम टी के एस मैरिटाइम ट्रॉपिकल काल्ट स्टेबल, ये हो गया इसका, यानी उष्णकटिबंधीय ठंडी स्थिर वायु राशि, ये पहला प्रकार हो गया। अब दूसरे प्रकार की बात करते हैं, यही सागरीय उष्णकटिबंधीय ठंडी के दो प्रकार हैं, तो ये भी ठंडी, अब स्थिर की जगह यहां पर क्या आ जाएगा, अस्थिर वायु राशि। तो ये प्रकार हम आसानी से बना सकते हैं, एम मैरिटाइम ट्रॉपिकल यानी सागरीय उष्णकटिबंधीय आ गया, ठंडी यानी काल्ट के आ गया, और अस्थिर के लिए आ जाएगा अनस्टेबल, MTKU। ये प्रकार बन गया मैरिटाइम ट्रॉपिकल काल्ट अनस्टेबल, यानी सागरीय उष्णकटिबंधीय ठंडी अस्थिर वायु राशि, ये हो गया दूसरा प्रकार। नंबर तीन की बात करते हैं, सागरीय उष्ण कटिबंधीय ठंडी, ठंडी तो होगी दोनों प्रकार, इसलिए ये क्या हो जाएगी, गर्म, और ये हो जाएगी साथ में स्थिर। वायु राशि, अब इसके लिए MT मैरिटाइम ट्रॉपिकल यानी सागरीय उष्णकटिबंधीय, गर्म यानी वार्म, स्थिर यानी स्टेबल, MTWS ये हो जाएगा मैरिटाइम ट्रॉपिकल वार्म स्टेबल, यानी सागरीय उष्णकटिबंधीय गर्म स्थिर वायु राशि, ये तीसरा प्रकार हो गया। अब नंबर चार, चार नंबर है सागरीय उष्ण कटिबंधीय गर्म, अब स्थिर किस गए यहाँ पर आ जाएगा, अस्थिर वायु राशि। अब इसके लिए M मैरिटाइम, T ट्रॉपिकल, W वार, यहाँ तरह सागरीय उष्णकटिबंधीय गर्म, अस्थिर के लिए आ जाएगा अनस्टेबल, तो ये हो गया MTWU यानी सागरीय उष्णकटिबंधीय गर्म अस्थिर वायु राशि, MTWU। ये हो गए भी जलवायु के जो वायु राशियां हैं उनका वर्गीकरण। ये कौन सा वर्गीकरण है, इसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त वर्गीकरण कहते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, वायु राशियों का वर्गीकरण ऐसा होना चाहिए जो उनकी प्रत्येक विशेषता है उसको समाहित कर सके, विशेषतः तापमान एवं आर्द्रता संबंधी विशेषताओं को इनको समाहित कर सके। तो इनमें सभी विशेषताओं को समाहित करने का प्रयास किया गया है, ठंडी है, ठंडी, गर्म, स्थिर, अस्थिर। अब ठंडी वायु राशि कौन सी कहेंगे, जो वायु राशि अपनी प्रचलित सतह से यानी जिस सतह पर वो चल रही है उससे उसका तापमान कम हो तो क्या कहलाती है, ठंडी वायु राशि कहलाती है। और स्थिर कौन सी होगी, जो वायु राशि उत्पन्न होने के बाद लंबे समय तक क्षेत्र में बनी रहे, उसका प्रभाव लंबे क्षेत्र में बना, लंबे समय तक बना रहे, वो क्या कहलाती है, स्थिर वायु राशि कहलाती है। अब उष्णकटिबंधीय गर्म वायु राशि, गर्म वायु राशियाँ कौन सी होती हैं, वह वायु राशि जो अपनी सतह से अधिक तापमान रखती है, यानी जिस सतह पर वह चल रही है, जिस सतह से वह बह रही है, उस सतह से अगर वो तापमान ज़्यादा रखती है तो वो क्या कहलाती है, वह गर्म वायु राशि कहलाती है। तो उसको हम गर्म वायु राशि कहेंगे, गर्म वायु राशियाँ हैं वो अपनी सतह से ज़्यादा तापमान रखने वाली वायु राशियाँ होती हैं। अस्थिर कौन सी होंगी, जो जिस क्षेत्र में उत्पन्न हुई है उस पर लंबे समय तक ना बनी रह सकें, वो कौन सी कहलाती हैं, अस्थिर वायु राशियाँ कहलाती हैं। तो ये वायु राशियों के वर्गीकरण हो गए, जिसमें हमने ऊष्मागतिक वर्गीकरण, यांत्रिक वर्गीकरण और ऊष्मागतिक, भौगोलिक और जो
संयुक्त वर्गीकरण है उनके बारे में पढ़ा। अब इन वायु राशियों में अलग अलग प्रकार की अलग अलग से इनका अध्ययन किया जाता है, जैसे उत्तरी अमेरिका की वायु राशियां। अब हमने जितने भी प्रकार इसमें पढ़े हैं उसमें कोई भी वायु राशियां हैं वो उत्तरी अमेरिका में पाई जा सकती हैं, उनकी उत्पत्ति हो सकती है, यानी महाद्वीपीय भी हो सकती हैं उस क्षेत्र की और सागरीय भी हो सकती हैं, लेकिन उत्तरी अमेरिका में जो वायु राशि उत्पन्न होगी, उत्तरी अमेरिका क्या है, महाद्वीप, तो महाद्वीप के हिसाब से वहाँ पर महासागरीय वायु राशियाँ महाद्वीपीय वायु राशियाँ होनी चाहिए, लेकिन इसमें अलग अलग होती हैं। जैसे अब उत्तरी अमेरिका की वायु राशियाँ हैं तो इसमें शीतकालीन वायु राशियाँ, अब शीतकालीन वायु राशियाँ अलग होंगी, जैसे ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि है, ठंडी वायु राशि है, ध्रुवीय क्षेत्र में उत्पन्न होती है, अलास्का वाले क्षेत्र में उत्पन्न होती है और जो पूर्वी खाड़ी तटीय भाग तक वहाँ तक अमेरिका को प्रभावित करती है, उस जिन क्षेत्रों में ये पहुँचती हैं वहाँ तापमान कम कर देती हैं, शीतकाल में जो बर्फ़ गिरने तक यानी हिमपात तक इनके प्रभाव से होता है। तो इस प्रकार अलग अलग वायु राशियाँ होंगी, जैसे शीतकाल में ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि है वह उत्तरी अमेरिका में प्रवाहित होती है, इसके अलावा सागरीय ध्रुवीय प्रशांत महासागरीय जो वायु राशि है वो भी उत्तरी अमेरिका में प्रवाहित होती है, इसके अलावा सागरीय ध्रुवीय अटलांटिक महासागर की वायु राशियाँ, सागरीय उष्णकटिबंधीय खाड़ी अटलांटिक वायु राशियाँ, तो ये अलग अलग वायु राशियाँ हैं वो प्रवाहित होती हैं, यानी इनका अध्ययन शीतकालीन और दूसरा है वो ग्रीष्मकालीन वायु राशियाँ। तो इस प्रकार से इनका अध्ययन हम करते हैं, यानी शीतकाल की वायु राशियों को अलग से और ग्रीष्मकाल की जो वायु राशियाँ होती हैं उनको अलग समूह में पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार की जो वायु राशियाँ हैं वो महाद्वीपों के अंदर पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त इसमें एशिया महाद्वीप की वायु राशियाँ भी अलग अलग, उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका की वायु राशियाँ हैं, इसके अलावा एशिया महाद्वीप की वायु राशियां, अब एशिया महाद्वीप की वायु राशियों में भी यही होती हैं शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। अब इसके अतिरिक्त उत्तरी गोलार्ध में पढ़ते हैं यूरोप महाद्वीप की वायु राशियां, यूरोप महाद्वीप की वायु राशियों में भी शीतकालीन वायु राशियां, इसके अतिरिक्त दूसरा है ग्रीष्मकालीन वायु राशियां। इन वायु राशियों में ये ग्रीष्मकाल शीतकालीन ग्रीष्मकालीन सभी के पढ़ी जाती हैं, इसके साथ में इनके दो मुख्य प्रकार रहते हैं, पहला महाद्वीपीय वायु राशियां जिसको सी से दिखाया जाता है, अगर महाद्वीपीय भाग में ध्रुवीय क्षेत्रों में वायु राशियां उत्पन्न होती हैं तो उनके साथ में सी और पी, यानी सी का मतलब मैंने आपको पहले बताया कॉन्टिनेंटल और पी का अर्थ है पोलर, यानी महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशियां होती हैं। इसके अतिरिक्त महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशियां होती हैं जिनको सी और टी से दिखाया जाता है, यानी कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल होती हैं। अब दूसरा है महासागरीय वायु राशियां, महासागरीय वायु राशियों को एम से दर्शाया जाता है, एम अर्थात मैरीटाइम
अब इसमें अगर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न हुई हैं तो टी यानी ट्रॉपिकल, और ध्रुवीय क्षेत्र में उत्पन्न हुई हैं तो उनको पोलर, पी से प्रदर्शित किया जाएगा, पी से उनको दिखाया जाएगा। तो इस प्रकार से एम मैरिटाइम को बताता है और सी है वो कॉन्टिनेंटल को बताता है। कॉन्टिनेंटल, तो ये कुछ इसके लिए जो संयुक्त अक्षरों का प्रयोग किया गया है, कूट अक्षरों का प्रयोग किया गया है, उनको ध्यान में रखना अति आवश्यक है इनको जलवायु राशियों के वर्गीकरण के लिए, जिसमें सी कॉन्टिनेंटल को दिखाता है, टी का अर्थ ट्रॉपिकल, एम का अर्थ है मैरीटाइम, पी का अर्थ है पोलर। इसके अलावा के जो कि काल्ट, जो कि जर्मन भाषा का शब्द है, इसको हम कोल्ड भी कह सकते हैं, यानी ये होता है ठंडी वायु राशि को प्रदर्शित करने के लिए। इसके अतिरिक्त W यानी वार्म, ये होता है गर्म वायु राशि को प्रदर्शित करने के लिए। काल्ट ठंडी, W वार्म यानी गर्म। तो ये अलग अलग प्रकार इसके हो जाते हैं। इसके अलावा स्थिर एवं अस्थिर दो प्रकार और होते हैं। जो वायु राशियां लंबे समय तक रुकी रहेंगी वो कहलाएंगी स्थिर, जिनको हम S यानी स्टेबल कहेंगे, स्थिर वायु राशियां जिनको हम कहेंगे। दूसरा जो होता है यानी अपने स्थान पर कम समय के लिए रुकती हैं, वो वायु राशियां कहलाती हैं अस्थिर वायु राशियां। अस्थिर का हम U से दिखाएंगे यानी अनस्टेबल। तो ये वायु राशियों के मुख्य प्रकार बनते हैं, जिसमें अलग अलग महाद्वीपों में ये सभी प्रकार की जो वायु राशियां हैं उनके कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य देखने को मिलते हैं। उत्तरी अमेरिका की वायु राशियां, एशिया महाद्वीप की वायु राशियां और यूरोप महाद्वीप की वायु राशियां हैं, उनका वर्गीकरण मिलता है। तो हमने वायु राशियों का जो वर्गीकरण है उसको पूर्णतः पढ़ लिया है, और इसमें चार मुख्य प्रकार तथा प्रत्येक प्रकार को चार उप प्रकारों में बांटा गया, यानी 16 उप प्रकार इसके हैं वायु राशियों के। चार मुख्य प्रकार तथा 16 उप प्रकार बांटे गए हैं। चार मुख्य प्रकार हैं और 16 उप प्रकार हैं। तो इस प्रकार वायु राशि क्या होती है? वायु राशि एक विस्तृत क्षेत्र पर फैला हुआ वायुपुंज होता है, जिसमें समान दशाएं पाई जाती हैं। वायु राशि विस्तृत वायुपुंज होता है, जिसमें तापमान और आर्द्रता, ये दोनों क्या हैं, इनमें समानता या समरूपता इसमें पाई जाती है। वायु राशियां क्या होती हैं? विस्तृत वायुपुंज होती हैं, जिनमें तापमान एवं आर्द्रता संबंधी समानताएं पाई जाती हैं। इनकी कुछ विशेषताएं हमने पढ़ी थी कि वायु राशियां जिस क्षेत्र में उत्पन्न हो उसमें ज़्यादा वायुमंडलीय परिवर्तन नहीं होने चाहिए, क्षेत्र है वो एक जैसा होना चाहिए, यानी या तो सागरीय होना चाहिए या फिर पूर्णतः स्थलीय होना चाहिए, यानी सागर एवं स्थल दोनों होंगे तो तापमान एवं आर्द्रता संबंधी समानताएं उनमें नहीं मिलेंगी, इसलिए वायु राशियां हैं वो उत्पन्न नहीं हो सकेंगी। तो इस प्रकार से कुछ विशेषताएं और इनके कुछ जो आदर्श दशाओं के बारे में हमने पढ़ा, तो ये वायु राशियों का पूर्ण वर्गीकरण हो गया। अब वायु राशियों का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।